दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में फिर होगा ज़बरदस्त बारिश का जोर, चेतावनी जारी। दोस्तों आपको याद होगा मौसम विभाग ने सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में मानसून की वापसी की बात कही थी, जबकि हमने आपको 2 महीने पहले ही सितंबर माह में भी अच्छी बरसात की अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो कि सही साबित हुआ। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। एक छोटे ब्रेक के बाद एक बार फिर राजस्थान में मानसून सक्रिय होकर जुलाई अगस्त की तरह बरसेगा, ये कहना है मौसम विभाग ने। गुरुवार को सितंबर माह का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार सितंबर माह के दूसरे सप्ताह से मानसून में फिर से सक्रिय होने की संभावना बन गई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम सर शर्मा ने बताया कि सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में राज्य के अधिकांश भागों में औसत से कम बरसात होगी। 8 से 9 सितंबर में से मानसून में सक्रिय होने की संभावना है और अगले सप्ताह में मानसून ट्रफ लाइन के दक्षिण पश्चिम भाग में शिफ्ट होने के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी की एक नया तंत्र बनेगा, जिससे बारिश की गतिविधियां में तेजी आ सकती है। सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में सामान्य से अधिक बारिश के आसार हैं, वहीं तीसरे सप्ताह में भी बारिश जारी रहने की संभावना है। इस बार मौसम विभाग के अनुसार मौसम विभाग ने कहा था कि सितंबर के प्रथम सप्ताह में मानसून की विदाई होगी, लेकिन अब मानसून विभाग कह रहा है कि इस बार मानसून तय समय से के बाद विदा हो सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी यानी इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस के जरिए हमने जुलाई महीने में भी ही आपको मानसून का पूरा ब्यौरा दिया था, जो कि अब सत्य साबित होता देखा जा रहा है। साल 2021 में भी हमने आपको यही कहा था कि जुलाई अगस्त में हो सकती है कम बरसात, जबकि 15 अगस्त के बाद में तेज़ बरसात का जोर बनेगा और सितंबर अक्टूबर तक रहेगी बरसात। साल 2021 में ये कथन पूर्णतः सत्य साबित हुआ। मौसम विभाग के बरखिलाफ जाकर गौरतलब है, जुलाई अगस्त में 28 से 30% औसत से कम बरसात थी साल 2021 में, जबकि सितंबर और अक्टूबर में औसत से लगभग 38% के आसपास अधिक बरसात थी औसत से। इससे किसानों को दोनों तरफ से परेशानियां हुई थी। यही वजह थी कि सोयाबीन और कपास के अंदर लगभग देश के सभी विशेषज्ञों के आकलन बिल्कुल विपरीत हो गया था, जबकि अजय एस्ट्रोमनी गुरु चैनल का पूर्व अनुमान 100% सत्य साबित हुआ था। कपास सोयाबीन के अंदर, जीरा धनिए में और गवार सीड में, शेयर बाजार के अंदर भी लगातार विश्लेषण सही साबित हुए हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को भी पुश करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश दुनिया की पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात, जीरा धनिया की हमारी विशेष रिपोर्ट सत्य साबित हुई है। अगस्त महीने में हमने कहा था एडवांस में कि धनिए के अंदर गिरावट दर्ज हो सकती है, जबकि जुलाई के अंदर शानदार तेजी दर्ज थी। अगस्त महीने में 8% की गिरावट धनिए में दर्ज हुई, उसके बाद वो बाउंस बैक हो रहा है। अब आगे क्या संभावना बन सकती है, इसकी विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप स्टॉकिस्ट हैं, मिलर्स हैं और आपको अग्रिम अनुमान विश्लेषण चाहिए, तो आपको हमारा विश्लेषण काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इसके साथ साथ छोटे कारोबारी या फिर किसानों के लिए मामूली शुल्क अदा करने पर वन टाइम रिपोर्ट भी मिल सकती है, और रेगुलर अपडेट प्राप्त करने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गवार सीड हो, जीरा धनिया हो, गेहूं, इन सब पर रिपोर्ट्स मौजूद है, आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। विश्लेषण वो जो सर चढ़कर बोले, विश्लेषण वो जो होने से पहले बोले, वही विश्लेषण है, अन्यथा नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात, tushargloballservice.com लॉन्च हो चुकी है और 42 कमोडिटीज़ पर बिल्कुल निशुल्क कमोडिटी के भाव निशुल्क उपलब्ध हैं, बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध हैं। दिन में से 3 से 5 बार अपडेट हो रही है, चाहे वो धनिया, चाहे वो स्पाइसेस हो यानी मसाला हो, या गवार सीड हो, तिलन हो, दलन हो, कॉटन कपास हो, स्टील हो, पॉलीमर्स हो, इसके सभी के भाव उपलब्ध हैं। देश के 42 शहरों के सोने चांदी के स्पॉट रेट भी उपलब्ध हैं।
बेस मेटल दिल्ली के स्पॉट बेस मेटल यानी तांबा, ब्रास, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, ये सब के भाव बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध हैं हमारी वेबसाइट tushargloballservice.com पर, बिल्कुल देखना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।